हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। जो भी स्टूडेंट्स सेल में ज्वाइन करने वाले हो या तो सेल में एज ए ट्रेनी हिसाब से काम कर रहे हो, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ सेल का जो पे स्लिप है वो शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि सेल का जो डेजिग्नेशन है, यानी कि आईटीआई का जो डेजिग्नेशन है, वो चेंज हो गया है। अभी हो गया है जूनियर टेक्नीशियन। एज ए ट्रेनिंग पीरियड में जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको ट्रेनी बुलाया जाएगा, लेकिन आफ्टर टू इयर्स जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर अपॉइंटमेंट जब आपका हो जाएगा, तब आपका जो डेजिग्नेशन हो जाएगा जूनियर टेक्नीशियन। तो जो भी स्टूडेंट्स जूनियर टेक्नीशियन में ज्वाइन करने वाले हो, तो वो सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा से देखिए। तो सेल में जो है ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा सा स्टाइपेंड कम मिलता है, लेकिन आफ्टर टू इयर्स आपको कितना सैलरी होने वाला है ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं सेल का एक पे स्लिप लाया हूँ, जो कि सेंट्रलाइज्ड पेरोल सिस्टम है, ये इसको स्टील प्लांट का है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है मई 2024 का ये पे स्लिप है, यानी कि मई का जो पेमेंट है पेड इन जून, जून में ये पेमेंट हुआ है, यानी कि ये मई का आपका पे स्लिप है, ठीक है, मई 2024 की वेतन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेल पर नंबर, यूनिट नंबर, नेम, ये सब मैंने हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पे आपका ग्रेड जो है आईटीआई के लिए S1 रहेगा, और डेजिग्नेशन यहाँ पे आपका जूनियर टेक्नीशियन रहेगा, ठीक है। यूएन नंबर, पैन नंबर, ये सब मैंने हाइड कर दिया हो, ठीक है। अब ज्वाइनिंग सेल, जब आप सेल में ज्वाइन कर रहे हो वो डेट यहाँ पे रहेगा, और टैक्स रेजिम यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय लोकेशन, अटेंडेंस, ये सब मैंने हाइड कर दिया है। अब बात करते हैं ड्यूटी, जैसे आपका 24 दिन का ड्यूटी होता है, यानी कि सेल में आपको शनिवार भी ड्यूटी करना पड़ता है, ठीक है। वीकली आपको एक दिन छुट्टी मिलता है संडे को, तो आपका महीना में 4 छुट्टी टोटल मिलता है, ठीक है। तो 26 डे का यहाँ पे पेआउट दिया है। बात करते हैं लीव बैलेंस। लीव बैलेंस होता है जो कि जितना आपका लीव बचा हुआ है वो चीज़, ठीक है। जैसे इनका ईएल 4 बचा हुआ है, एचपीएल यानी कि हाफ पे लीव 30 बचा हुआ है, सीएल 5 बचा है, और एफएल मतलब फेस्टिवल लीव जो होता है वो 5 बचा है, ठीक है। तो ये आपका लीव बैलेंस है, जितना आपका लीव खर्चा होता है वो डिडक्ट होके पे स्लिप में आपका दिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पे स्लिप में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है और क्या क्या चीज़ आपको डिडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं टोटल ग्रॉस पे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एज ए जूनियर टेक्नीशियन आपको ग्रॉस पे 43,853 मिलने वाला है, ठीक है। यही आपका इनकम टैक्स का जो इनकम देखा जाता है, यही देखा जाता है। तो 43,853 ये आपका ग्रॉस इनकम हो गया। अब डिडक्शन ये आपके हिसाब से, आप कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना आपका बाकी चीज़ आप जो कटा रहे हैं वो चीज़ के हिसाब से ये डिडक्शन दिखाता है। नेट पे यहाँ पे देख सकते हैं 33,378 है। ये आपका ज़्यादा भी हो सकता है किसी का, किसी का कम भी हो सकता है, क्योंकि आप जितना अमाउंट डिडक्ट करते हो उस हिसाब से, कोई LIC में डिडक्ट कराता है, कोई लोन में डिडक्ट कराता है, तो आप जितना पैसा डिडक्ट कराते हो उसके बाद आपका जो काट के जितना मिलता है वो होता है नेट पे, लेकिन एक्चुअल पे जो है आपका ग्रॉस पे ये है 43,853। अब बात की जाए यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पे, यानी कि 2 साल ट्रेनिंग के बाद आपका बेसिक पे होने वाला है 25,070, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल 4 का यहाँ पे जो ग्रेड पे होता है, लेवल 4 मतलब 2400 ग्रेड पे का, 2400 ग्रेड पे का जो पे लेवल होता है लगभग वो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक आपका 25,070 मिलता है, और डीए आपका चेंज होते रहता है। तो डीए अभी के हिसाब से देख सकते हैं, अभी अगर डीए चल रहा था 43.7%, ठीक है। तो
तो 43 पॉइंट यानी कि 25,070 का 43.7% हो जाता है 10,956 रुपया, ये आपका सैलरी में ऐड होगा। उसके बाद पार्क, ठीक है, पार्क अलाउंस एक होता है जो पीएसयू में दिया जाता है, ये आपको दिया जाता है बेसिक का 26.5%, यानी कि 25,070 का 26.5% जो होता है वो पार्क होता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपका डीए और पार्क भी बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से डीए के हिसाब से 43.7 था और पार्क 26.5 के हिसाब से आपको 6,643 रुपये मिलेगा। उसके बाद इंसेंटिव, आज आप जिस डिपार्टमेंट में हो उस डिपार्टमेंट में क्या प्रोडक्शन है, आप जिस यूनिट में हो उस यूनिट में क्या प्रोडक्शन है, आप दुर्गापुर स्टील प्लांट में हो, राउरकेला में हो या तो इसको में हो, उस हिसाब से आपका जो है ये इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव यहाँ पे देख सकते हैं 1,184 रुपये मिला है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो तो कुल मिला के इनका सैलरी बन रहा है 43,853, ठीक है। अब बात करते हैं आपका क्या क्या डिडक्ट होगा, सीपीएफ यानी कि आपका जो है पीएफ, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है एनपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सीपीएफ जो कटौती होता है वो क्या होता है, वो आपका बेसिक प्लस डीए यानी कि आपका जो बेसिक है और जो डीए है ये दोनों मिला के जितना अमाउंट होगा उसका 12% यहाँ पे आपका काटा जाता है, ठीक है। बेसिक डीए मिला के जितना अमाउंट होगा उसका 12% आपका डिडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सब्सक्रिप्शन रहता है जिसके लिए 721 रुपया, प्रोफेशनल टैक्स के लिए आपको 200 रुपया, हाउस रेंट के लिए आपको 34 रुपया, इलेक्ट्रिक के लिए आपको 494 रुपया, और ये जो है कोऑपरेटिव लोन यानी कि अगर कोऑपरेटिव से कोई लोन लेके रखे हो तो वो यहाँ पे काटा जाता है। जैसे इनका 4,653 रुपया कोऑपरेटिव से लोन लेके रखा है तो इसलिए इसका इतना काटा गया, ठीक है। उसके बाद वाटर चार्ज जो है 50 रुपया काटा गया, ठीक है। तो इनका टोटल अगर डिडक्शन किया जाए तो टोटल यहाँ पे होगा 10,475 रुपया, ठीक है। तो इनका ग्रॉस सैलरी था 43,853 और इसका डिडक्शन है 10,475, टोटल डिडक्ट होके इनको 33,378 रुपया इन हैंड सैलरी मिल रहा है आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप सभी कैंडिडेट्स को भी इतना ही मिलेगा, लगभग 40,000 जो है आपको सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हो 2 साल बाद उसका डीए भी बढ़ जाएगा तो उनको 40+ सैलरी इन हैंड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था सैलरी का, पे स्लिप का जो है डिटेल्स। अब बात की जाए पार्क्स अलाउंस जो होता है, पार्क्स अलाउंस के अंदर बहुत कुछ आता है जैसे लंच, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ये सब टोटल इसका मिला के 26% यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सैलरी है एज ए जूनियर टेक्नीशियन अगर आप ज्वाइन करते हो सेल में, ठीक है, तो आपको लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल 4 का यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का पे स्लिप का डिटेल्स वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको एज ए ट्रेनी हिसाब से कितना सैलरी मिलने वाला है, अगर इसका पे स्लिप अगर आपको देखने का इच्छा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगला वीडियो में आपको एज ए ट्रेनी आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, कितना डिडक्शन होने वाला है, ये सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा विथ प्रूफ एज जैसे अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।